हेलो हेलो हेलो, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, मगर पुराना टॉपिक हमारा एक्स्ट्रानेट्स क्या होते हैं। मैं आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स में, और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एक्स्ट्रानेट्स। तो दोस्तों, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका इंट्रानेट होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क होता है, और उसका पर्पस बेसिकली आपके इंटरनल एम्प्लॉयज को बेसिकली फैसिलिटेट करना होता है। और इंट्रानेट जो होता है बेसिकली वो आपका बेसिकली आप ये समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशन का स्केल डाउन वर्जन होता है इंटरनेट का, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन वही सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उन जो पर्पस होता है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना होता है, और उसके साथ बेसिकली जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर सकते। और अगर यहाँ पे कंपनी जो है वो इंटरनेट बैकबोन्स को यूज कर रही है, तो फिर वो फायरवॉल्स वगैरह का इस्तेमाल करती है ताकि आपका जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस ना कर सकें। लेकिन कई दफा कंपनी को ये जरूरत होती है कि वो एक विंडो क्रिएट करे एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है इंट्रानेट की उसको एक्सेस कर सकें। तो जब कंपनी ये काम करती है और ये जो विंडो क्रिएट करती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, तो इस चीज को हम बेसिकली एक्स्ट्रानेट का नाम देते हैं। एक्स्ट्रानेट कंपनीज क्यों क्रिएट करती हैं? ताकि बेसिकली जो कंपनी के, लेट सपोज एक कंपनी है उसके सप्लायर्स हैं, उनने बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है कि जो पीछे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स सिस्टम्स के थ्रू आ रही है कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो वो सप्लायर्स जो हैं अपने से रिलेटेड, लेट सपोज जो हमारी कंपनी है वो गाड़ियां बनाती है, तो जो हमारा सप्लायर है वो टायर्स प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली सप्लायर ये इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है कंपनी के इंट्रानेट की उस विंडो से जो कि एक्स्ट्रानेट अब कहलाती है, के कौन से और कितनी तादाद में टायर्स रिक्वायर्ड हैं कौन से दिन, और फिर वो उन ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकता है। इसी तरह जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की, और उनको पता होगा कि वो उनने कहाँ पे कितने ट्रक्स भेजने हैं, अगर वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। कंपनी के जो कुछ कस्टमर्स हैं, कंपनी उनको भी बेसिकली एक्स्ट्रानेट कस्टमर्स जो एक्स्ट्रानेट पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो वो प्रोवाइड कर सकती है। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रानेट का पर्पस है वो यही है कि आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हम कह देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने से रिलेटेड जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकें। तो दोस्तों, इस सिनारियो में कंपनी ये भी बेसिकली लॉगिन्स पासवर्ड्स के जरिए, या फिर आप ये कह लें कि ऑथेंटिकेशन के जरिए ये मेक श्योर करेगी, या कंपनी के आईटी स्टाफ, कि वो जो एक्स्ट्रानेट की सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन है, सो वो सप्लायर वन जो है वो अपनी ही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके, और जो सप्लायर टू है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें अपने एरिया से, और वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर तक की इंफॉर्मेशन एक्सेस ना कर सकें। इसी तरह जो कस्टमर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी के एक्स्ट्रानेट की विंडो के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट जो होता है वो बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, और उसका अगर ऑर्गेनाइजेशन स्केल डाउन वर्जन अपने इंटरनल यूज के लिए
यूज करे तो वो इंट्रानेट कहलाता है, और अगर उस स्केल डाउन वर्जन में एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी कंपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो वो एक्स्ट्रानेट कहलाता है। तो इंटरनेट सबसे बड़ा होते हैं उन्हीं के प्रोटोकॉल्स और उसी आर्किटेक्चर को यूज करते हुए, जब इंटरनल यूज के लिए कंपनी यूज इंफॉर्मेशन को यूज करे तो वो इंट्रानेट कहलाएगा, और जब वो अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करे थ्रू सिक्योर लॉगिन पासवर्ड इंफॉर्मेशन तो बेसिकली वो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। तो कंपनी जो है इंट्रानेट जो है और एक्स्ट्रानेट्स जो हैं वो बेसिकली इंटरनेट के बैकबोन या इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए भी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए भी प्रोवाइड कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन काफी सिक्योर्ड है, वो काफी बड़ी कंपनी है, तो बेसिकली वो जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, फॉर एग्जाम्पल जो बैंक्स होते हैं और इसी तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेफर करती हैं ताकि जो उनका डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे और जो सिर्फ जिस आदमी के लिए और जिस स्टेक होल्डर के लिए वो जो डेटा है वो एक्सटर्नली अगर उससे एक्सेस करना हो तो वो फिर ऑथेंटिकेशन के जरिए एक्सेस कर सके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ifactner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स में ज्वाइन किया। हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। उस वक्त तक अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली ifactner.com को विजिट करें और मुझको सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।